ठीक है, कहीं और मारना था, उसने दो डंडा जो है सिर में मार दिया, ठीक है। सिर में मारने के बाद कुछ नहीं हुआ, उस समय खून का फटका जम गया, और दो तीन बाद, तीन दिन बाद जो है ना इसको लेके उधर को मर गया। दोनों पति पत्नी जेल चल दिए, और वो महिला जिसके पति अब देखिए उनके दो छोटे बच्चे थे, अनाथ हो गए, जेल चल दिए, समझ रहे हो, दोनों का अनाथ हो गए बच्चे। ये सब उत्पीड़न है समाज में, समझ रहे हो। इसलिए बोलते हैं सबसे ज्यादा टारगेट कौन होती है, लड़की होती कि नहीं होती है। महिलाओं को हमेशा से कमजोर माना जाता रहा है, लेकिन आजकल लड़कियां जो है पढ़े लिखे जैसे खड़ी हैं, पढ़े लिखे नौकरी कर रही हैं, अपने पैर में खड़ा है, सम्मान से जी रही हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, अपने पति का भी जो है सहारा है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है आसरा, वो क्या होता है, वो ताड़ी ठोकी रहती है। आप लोगों को जागरूक होना है। लैंगिक उत्पीड़न जानते हैं आप लोग, लैंगिक उत्पीड़न जानते हैं, नहीं मालूम आप लोगों को, कैसे समझाओ मैं, या लड़की की इच्छा के बिना, समझ रहे हो, उसके साथ जबरन कुछ चीज होता है तो क्या है, लैंगिक उत्पीड़न है, समझ रहे हो। महिलाएं घर में ज्यादा सुरक्षित नहीं है, बाहर की बात तो मैं बता दूं, जो है बाहर की बात तो अलग है, महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।